हेलो गाइड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा एडियो 30 में। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे कि झारखंड डिप्लोमा का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो हमारे वीडियो को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के हुए हम वीडियो की ओर ले चलते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में जाना होगा। किसी भी ब्राउजर में जाने के बाद आप यहाँ ज्ञान ज्योति क्लिक करना होगा। GYANJYTI क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना होगा, ज्ञान ज्योति वर्जन 2.0 इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको सिलेक्ट करके नीचे आना और यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डिप्लोमा पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ईमेल आईडी को फिल करना है। वो ईमेल आईडी आपका परमानेंट हो जाएगा, इसी ईमेल आईडी पर पूरा वर्क होगा आपका डिप्लोमा का। यहाँ ईमेल आईडी फिल कर लेंगे, ईमेल आईडी अपना फिल करने के बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका होगा से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको साइन अप करना होगा पूरा फिल करने के बाद। फिल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से देखने को मिल रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल ऑन डन गूगल क्रोम, से आपको गूगल क्रोम में करना है। इससे नीचे आना है और यहाँ देखिए स्कैन फोटो साइज का स्कैन यहाँ से 500 KB पे आपको करना है। स्कैनर JPG सिग्नेचर यहाँ से आपको भी 500 KB में आपको बना लेना है। और लेफ्ट थंब का आपको 500 KB का आपको साइज बना लेना है JPG में। यू एनी मिस्टर मिसेज ये आपको नहीं करना है, नेम के आगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शुड बी वेरीफाइड इन फ्यूचर प्रोसेस, आपका पहले ही बता चुके हैं कि आपका फ्यूचर के लिए यह हो जाएगा। यहाँ से अपना नाम फिल करना होगा, जो भी नाम होगा यहाँ से अपना फिल करना है। तभी आपको कैपिटल लेटर में फिल करना होगा, से अपना नाम फिल कर लेंगे। चलिए हम सपोर्ट के लिए यहाँ से रामू कुमार यहाँ से लिख लेते हैं। से आपका नीचे आना है और यहाँ से अपना जेंडर को क्लिक करना होगा। जेंडर में आप मेल फीमेल क्लिक कर सकते हैं। ऐसे कास्ट कैटेगरी में यहाँ से अपना कास्ट को फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना फादर नेम फिल करना होगा, यहाँ से तो अपना फादर नेम को यहाँ से फिल कर लेना होगा। यहाँ से हम फादर नेम को फिल कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आपको हम आगे ले चलते हैं फिल करके। यहाँ से हम सूरज कुमार लिख दिए और यहाँ से अपना फादर नेम को फिल करना होगा। तो चलिए मदर नेम यहाँ से फिल करना होगा, US यहाँ से अपना मदर नेम फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आना होगा आपको मोबाइल नंबर, अपना एक परमानेंट मोबाइल नंबर को फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे आना होगा और यहाँ से अपना जेंडर को, यहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को फिल कर लेना होगा। तो आपका एड्रेस होगा यहाँ से अपना फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ से आगे जाना है और यहाँ से अपना पूरा एड्रेस को फिल कर लेना है। अगर परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ से क्लिक करके दोनों को एक ही फिल कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आना होगा और अपना पिन कोड भरना होगा।
लिए हम भर लेते हैं, यहाँ से अपना पिन कोड भर लेंगे। से करने के बाद यहाँ से आपको फिर सबमिट क्लिक करना होगा, नीचे आना है और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा सेव प्रोसेस नेक्स्ट। आपको पूरा देख लेना है कि हमारा सही है कि नहीं। यहाँ से यहाँ सेव, इसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से फोटो को चूज कर लेना है। सेव एंड प्रोसेस करने से पहले आपको यहाँ से फोटो को, जो 500 GB में फोटो बना है उसको यहाँ से आपको फोटो को ले लेना है। कोई भी फोटो अपना ले सकते हैं जो 500 KB में बनाए हैं। चलिए हम फोटो को ले लेते हैं। फोटो लेने के बाद यहाँ से आपको, इसके बाद आप यहाँ से सेव प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको यूट्यूब नेम, जो भी आपका पेज का नाम होगा, यहाँ से आपको चूज कर लेना होगा। चलिए हम सपोज के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका सेलेक्ट, यहाँ से ब्रांच, आपका जो भी ब्रांच हो से अपना ब्रांच फिल कर लेना। ब्रांच फिल करने के बाद यहाँ से काउंसलिंग, काउंसलिंग टाइप, यहाँ से SC, यानी कि आप काउंसलिंग से आए हैं, आप अलॉटमेंट लेटर से आए हैं तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना होगा। ओपन काउंसलिंग, यानी कि आप कॉलेज के द्वारा आपका एडमिशन हुआ है तो इस पर सेकंड वाला क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट कोटा, यानी कि सरकारी कोटा, सरकारी से हैं तो आपको मैनेजमेंट कोटा से आपको क्लिक करना है। तो चलिए अगर जो भी हो आप यहाँ से फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें एडमिशन टाइप, यहाँ से रेगुलर है तो रेगुलर, रेगुलर में आप अगर 3 साल वाले हैं तो रेगुलर में करेंगे और 2 साल वाला है तो लेटरल पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं ओपन काउंसलिंग में। ओपन काउंसलिंग में कीजिएगा तो एडमिशन, यहाँ एडमिशन टाइप कीजिएगा, यहाँ से भी हो तो यहाँ से एडमिशन डेट पूछेगा। उसके बाद यहाँ से आपको परसेंटेज पूछेगा कि कितना आपका 11th में, 12th में पूरा परसेंट कितना था। यहाँ से आपको यहाँ से करना होगा और पासिंग मार्क यहाँ से और डेट यहाँ से फिल कर लेना होगा और नेचुरल सीट यहाँ से फिल करना होगा। तो हुआ ओपन काउंसलिंग के, और यहाँ से हम दिखाते हैं JSEE बोर्ड रांची, इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ से आपको PECE 2021 DEC ये आपका जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसमें 6 डिजिट का नंबर दिया गया होगा, एप्लीकेशन नंबर, वो आपको एप्लीकेशन नंबर को फिल करना होगा। एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद आगे जाना होगा और आपको देखिए जनरल मेरिट लिंक, यहाँ से आपको मेरिट रैंक को फिल कर लेना होगा। जो भी आपका मेरिट रैंक हो उसे आपको फिल करना होगा। इसके बाद कैटेगरी मेरिट रैंक, कैटेगरी मेरिट को आपको इसे फिल कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ से अदर मेरिट भी आपको छोड़ देना है, अनिवार्य नहीं है, भर सकते भर भी नहीं सकते हैं। कैटेगरी 1000 सीट विच अलॉटमेंट JSC, तो यहाँ से आपको आना है और यहाँ से आपको जिस भी कैटेगरी से आपको अलॉटमेंट लेटर में BC1 BC2 जो जिससे ही मिला है तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से नेचुरल सीट, नेचुरल सीट में यहाँ से आपको से हैं में करेंगे कैंडिडेट है तो मैनेजमेंट कोटा से जो भी हो, तो अगर कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से आपको अदर पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम सीट से पर क्लिक देते हैं स्पेशल सीट, यहाँ से स्पेशल सीट में आपको छोड़ देना है और अलाउड से एडमिशन डेट आपको पूछा जा रहा है। एडमिशन डेट जो कॉलेज से आपको एडमिशन मिला होगा, एडमिशन डेट वो आपको फिल कर लेना होगा। अगर कॉलेज के द्वारा आपका एडमिशन हुआ तो जाकर यहाँ से कॉलेज से पता कर सकते हैं, नहीं तो आपको JSE बोर्ड रांची के द्वारा अगर काउंसलिंग का है तो आपको रसीद पर एक डेट दिया होगा, वो डेट आपको फिल कर लेना होगा। चलिए हम फिल करके आगे हम आपको ले चलते हैं। जाने के बाद आपको यहाँ से
एंड इस पर क्लिक देना होगा। तो चलिए हम फटाफट फिल करते हैं, आगे ले चलते हैं। यहाँ से आने के बाद आगे यहाँ से देखिए सेव प्रोसेस पर सही मिला लेना है आपको, और इसके बाद सेव प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन आईडी, जो भी बैंक के द्वारा चालान कटवाए थे, वो आपको ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ से फिल कर लेना होगा। तो चलिए जो आपको एम लगा लेना है, उसके बाद यहाँ से चालान डेट, डेट को आप चालान कटवाए थे डेट यहाँ से आपको फिल कर लेना है। चलिए यहाँ से हम फिल कर लेते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन फी, से पहले आपको 350 रुपीज विदाउट लेट फीस, विदाउट लेट, अगर आप लेट फाइन के साथ भरते हैं तो आपको 550 रुपए लगेंगे। तो अभी आपका लेट फाइन नहीं लगेगा, 350 रुपए ही लगेगा। उसके बाद आईएफसी कोड, आईएफसी कोड उस बैंक का डालना है जिस बैंक से आप चालान कटवाए हैं। चलिए हम यहाँ से फिल कर लेते हैं, PUNB। इसके बाद यहाँ से आपको लेफ्ट थंब और सिग्नेचर को यहाँ से आपको फिल कर लेना होगा। 12910 से फिल करना है, और यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से देखने को मिल रहा होगा आपको थंब में, यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड, आपको अगर लेफ्ट हैंड का थंब को सिग्नेचर जो लिए होंगे लेफ्ट थंब का, उसको आपको यहाँ से 500 के भी बनाए होंगे उसको यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। चलिए यहाँ से आपको आना है, और आप यहाँ से जहाँ भी रखे होंगे आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ले लेने के बाद यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर पर क्लिक करना है, और सिग्नेचर अपना ले लेना है, कोई अपना सिग्नेचर जहाँ भी रखे होंगे आप बनाकर सके भी में, उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओपन करना है, यहाँ से सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना होगा। सेव एंड प्रोसेस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पूछा जाएगा कि आपका सब सही है कि नहीं, ऐसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म फिलअप होकर आ जाएगा। और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप होकर आ जाएगा, यहाँ से देखने मिल रहा होगा इस तरह से, और यहाँ से आकर आप प्रिंट कर सकते हैं। आई होप अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर मिलता रहे, और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।